शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तेरे साले अभी गाड़ी के नीचे। हाँ भाई, अरे बांद्रा कुर्ला से वाशी जेट्टी इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे भाई? लास्ट मिनट पे लोकेशन चेंज। पंडाई क्या भागता है, ऊपर से लड्डू नीचे से फट्टू आइटम था साला। गाली काहे को दिया उसे? तेरा यही लफड़ा है, जब भी मुंह खोलेगा गुटके की गर्मी बाहर आएगी, इसीलिए दांत सड़ गया है। बबल गम खाया कर, डॉक्टर भी बोलता है बबल गम खाने से पेट साफ रहता है। दूं क्या? हाँ? अब दिमाग की मां मत फोड़। लोकेशन बदल गई है, वाशी जेटी मुंबई का दूसरा कोना, एक घंटा हाथ में है, ऊपर से रेड अलर्ट। चल छोड़ जाने दे, अगली बार जब धंधे पर निकलेगी तो तेरे लिए बबल गम खरीद के रखेगी। हाँ? अभी काम करते हैं। पीके चला रहे होंगे साले, बाप की कैश पे बेटे की ऐश। दिल्ली में ऐसे बड़े बाप के लौंड को बड़ा चमकाता था मैं, वहां तो घर में घुसकर मारता सालों को। नंबर देखा तुमने साले? चले That's why Delhi is Delhi। यहां की तरह नहीं, 1:40 को आखिरी लोकल, 4:10 पे पहली लोकल। रोड पे चलो तो ये हाल। चले मुंबई को शंघाई बनाने, मुझे समझ में नहीं आता यार, 10 मिनट लगता है यहाँ से विक्रोली तक ट्रेन से, बैठो फिर 2.5 घंटे। ये लोग ट्रेन क्यों बंद करते हैं? हाँ, ट्रेन की रिपेयरिंग्स वगैरह के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। अरे तो फिर फ्रीक्वेंसी कम कर देनी चाहिए ना, बट हु केयर्स। मुंबई डॉग्स। और दिल्ली के होते तो तुम गली में घुस के मार के आते ना सबको। कच्चा है, कुछ मिक्स किए लाए। ये तो मेरे रोज का रास्ता है, ऑफिस इतना दूर है नहीं, अपना ही एरिया समझो। अच्छा? टैक्सी स्टैंड बाजू में ही है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। माचिस है क्या अंकल? थोड़ा आग लगानी थी। आंटी भी चलेगी। अरे तुम पीछे रह गई, बुलाना था ना? चर्सी हैं साले, दो हाथ मारे तो मर जाएंगे। तो तुम साथ हो तो इसलिए खुद को कंट्रोल किया मैंने, वरना है क्या इन सालों में, दो चॉप मारो तो। तुम चॉप समझती हो ना? हाँ, वो मटन का पीस। नहीं नहीं, मटन पीस नहीं, कराटे में थप्पड़ को चॉप कहते हैं, सीखा है मैंने 6 महीनों तक, प्रकाश कराटे कोचिंग घाटकोपर। अच्छा? हाँ, जैसे ही घुसाए तो हिया, 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 हिया। थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, मजाक उड़ा रही हो? ऑटो। ए ऑटो, अरे रोको रोको उसे। थैंक गॉड। चलो रुका तो सही। अरे ये तो बार के अंदर जा रहा है, तुम ट्राई तो करो, क्या मालूम चल ले। लेकिन वो, लेकिन क्या, एक बार अंदर गया तो बाहर थोड़ी ना आएगा। अच्छा अब, अच्छा सुनो। हाँ। उसको बोलना एक्स्ट्रा पैसे देंगे और
ये भी बोलना कि लेडीज है साथ में। ठीक है। ए, वो देख। नाना का डुप्लीकेट? डुप्लीकेट में नहीं, वो है जो पर्दे पे दिखता है। सब कुछ मेरा छीन लिया। किस्मत का चश्मा, आंखों की दूरबीन। क्या बोलता है? वो विक्रोली चलोगे? ना बोलूंगा तो बुरा लगेगा क्या? हाँ वो लगता है तो लग रहे तो मेरे को क्या? भाई साहब मेरे साथ लेडीज हैं। मैंने बोला था तेरे को रात को औरत को टहलाने को। स्टेशन पे ट्रेन नहीं है, सड़क पर ऑटो नहीं है, बारिश कभी भी हो सकती है, और विक्रौली इतना पास नहीं है कि तू लंगड़ी टांग खेलता हुआ वहां पहुंच जाए। अरे मेरी बात मान ले, रात यहीं गुजार ले, वरना तू जानता है ना साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आइडिया तो बुरा नहीं है नीलिया, दो ढाई घंटे यहाँ बार में ही काट के पहली लोकल पकड़ के घर वापस, और बियर भी पीने का मन कर रहा है। गुड गुड। क्या हुआ? चलो चलो। क्या हुआ? माना नहीं? ना। अच्छा हुआ, वैसे भी बहुत अजीब अजीब लोग थे यहाँ पे। सही फंसे हम। कोई नहीं, आगे का और ऑटो स्टैंड है, शायद मिल जाए एक। अच्छा जाइए, भीग जाएंगे। आप स्टेशन पे ट्रेन नहीं, सड़क पे बस नहीं, बारिश तो है ही, और विक्रोली इतना पास भी नहीं कि लंगड़ी टांग पैदल चले जाएं। फिर वेल इफ इट्स ओके, हम बाहर में भी। बाहर में? पागल हो तुम? नहीं लेकिन बारिश में दो घंटे और घूमे तो फिर हो सकता हूँ। हाँ पर इतनी सुबह पहुंचूंगी तो आंटी को क्या बोलूंगी, कहाँ से आ रही थी? आंटी जिनके यहाँ मैं पीजी हूँ, पेइंग गेस्ट। थोड़ी लेट चले जाना, कहते ना कि एंगेजमेंट में फ्रेंड्स ने रुक लिया था। और हाँ सुबह प्रॉब्लम हुई तो तुम भी विक्रोली रहती और मैं भी, तो फिर तुम ठीक समझो तो मेरे घर में भी। क्या? नहीं क्या है ना कि हम घर पे फ्रेश फ्रेश हो जाओगी, और दोस्त कहते हैं कि मेरी बनाई हुई कॉफी में तो दो पेग का मतलब, कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं, तुम भी देख लो ना दिल्ली वाले की हॉस्पिटैलिटी, कि जैसा तुम समझो हम रोड पे भी रह सकते हैं। ये तो सोच रही है बेटे नीलिया, ये एक बार घर आ गई तो वारे न्यारे। अब पर मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। तकलीफ तो होगी, बहुत भारी हो तुम, कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ेगा ना। चले अंदर। चलो सजा मजा बन जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। अच्छा है कि मुंबई शंघाई नहीं बना, कदम संभाल कर चला नीलिया तो सुबह बजेगी खुशियों की शहनाई, वरना फिर तू, तेरा तकिया और तेरी तन्हाई।